बाहर वाइट गेंद, वाइट से शुरुआत की अपने ओवर की आरिफ अंसारी ने। अगली गेंद सामने रखा था, अच्छा स्ट्रोक खेला, केवल एक रन। अच्छा आकिब भी टीम में नजर आ रहे हैं सीसी स्पोर्ट में। अगली गेंद फिर से लेग सिस्टम के बाहर, वाइट बॉल। गेंद फिर से सामने रखा था, अच्छा स्ट्रोक खेला, बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, लगा नहीं, एक रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्ले बस, स्कोर चार रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दबा नो गेंद कर बैठे आरिफ अंसारी, फ्री हिट गेंद, सामना करेंगे फैज। गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, एक रन और इजाफा होता हुआ स्कोर में छह रन, पहली बार का खेल चलता हुआ। गेंद फिर से देखना है, फंबल हुआ है, मिसफील्ड होते हुए विकेट कीपर मुन्ना सैयद से 1+1, दो रन आ गए इस गेंद पर, स्कोर 8 रन, पहली बार का खेल चल रहा है। गेंद फिर से लेग स्टंप के बाहर, वाइट बॉल, स्कोर है 9 रन, इस मतलब बढ़िया गेंद, फिर से अच्छी वापसी देखने को मिली आरिफ अंसारी द्वारा, डॉट बॉल। गेंद फिर से लंबा लेने की कोशिश, जासर सैयद मौजूद है, पारी समाप्त हो गई फैज की। एक गेंद का और रना बाकी, इस ओवर की स्कोर है 9 रन, एक विकेट के नुकसान पर, बड़ा झटका लगा है एवेंजर को फैज के रूप में, हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं फैज, कुछ खासा कर नहीं पाया आज अपनी टीम के लिए। नए बैट्समैन शारिक खान बल्लेबाजी के लिए, आखिरी गेंद सामना करेंगे शारिक। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल, स्कोर 10 रन। गेंद फिर से क्या तो से खेला, देखना है, तालमेल की कमी, आउट हो गए आकिब, हालांकि फंबल जरूर होता है, फक मामू से तीसरे अटेम्प्ट में कैच गेंद को कलेक्ट किया था, लेकिन नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है, गेंदबाजी पर अशफाक मामू, नए बैट्समैन आए मुशर्रफ, स्ट्राइकिंग एंड पर है। अली पटेल भी अब टीम में इन हो चुके हैं। अगली गेंद, पहली ही गेंद अशफाक मामू की बढ़िया गेंद की थी, सम्मान दिया, डॉट बॉल। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए। अगली गेंद हल्के हाथों से टर्न किया था ऑनसाइड में, बढ़िया फील्डिंग मुसद्दिक, माफ कीजिएगा, जासर सैयद द्वारा। गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, आउट हो गए मुशर्रफ, बढ़िया कैच समाप्त किया। बढ़िया कैच समाप्त किया, स्कोर 16 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। दूसरी ओवर के खेल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे अशफाक मामू, अब तक एक सफलता दिलाई है अपनी टीम को, हालांकि एक सिक्सर जरूर लगा था उनको दूसरी गेंद पर, लेकिन के बाद गजब की वापसी, नए बैट्समैन खिजर ऑफ स्टंप के बाहर, वाइट बॉल। लेकिन फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, आउट हो गया खिजर भी। चौथा झटका लगा इस ओवर में,
अगली गेंद अशफाक मोहम्मद की, वाइड गेंद, स्कोर 18 रन। नए बैट्समैन अदनान बल्लेबाजी के लिए आए। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज होते हुए तो ओवर की समाप्ति रन बने 18-18। क्या की कमाल की गेंदबाजी की अशफाक मामू ने, केवल 8 रन खर्च किए अपने ओवर में और जो सफलता भी दिलाई अपनी टीम को। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज मुन्ना सैयद, सामना करेंगे शारी। पहली गेंद मुन्ना सैयद की, बैटिंग पावर प्ले चालू हुआ है, सामना करेंगे शारी। पहली गेंद कमाल की गेंद थी, जाने देना चाहते लेकिन गेंद टर्न होकर अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल। फिर से बढ़िया गेंद, कमाल की गेंद, एक और एक डॉट बॉल। आगे निकल कर खेला, अच्छा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 24 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से सामने रखा था, अच्छा स्ट्रोक खेला, इसमें तब अगेन गैप में बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक दो बाउंड्रीज आ गई इस दोनों गेंद पर, स्कोर 28 रन। नो गेंद, फ्री हिट गेंद, सामना करेंगे शारिक। आगे निकलकर फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या स्ट्रोक लगाया शारिक ने, कदमों का इस्तेमाल किया और भेज दिया गेंद को दर्शक दीर्घा में, 6 रन, 35 रन। आखिरी गेंद, फिर से लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया था इस मरतबा, शॉर्ट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर 35 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35, 4 विकेटों के नुकसान पर। पहली दो गेंद बहुत बढ़िया की थी मुन्ना सैयद ने, लेकिन उसके बाद शारिक ने अपना जलवा दिखाया और 17 रन बटोरे इस ओवर में, इस ओवर से स्कोर 35, 35 रन। चौथे ओवर के लिए देखना है, आई थिंक उसामा मोमिन को गेंदबाजी पर लाया जा रहा है, अच्छे गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। समा मोमिन एक बड़े ऑलराउंडर के रूप में दिखाई दिए पूरे टर्फ क्रिकेट में। गेंद, पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला, गेंद निकल गई मस्तक पे दस्तक, 6 रन, 41 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो नहीं खिलाड़ी अब थावा बोल रहे हैं सीसी स्पोर्ट के गेंदबाजों पर। गेंद फिर से पैरों के सामने से खेला, अच्छा स्ट्रोक, बढ़िया फील्डिंग आरिफ अंसारी द्वारा, केवल 1 रन स्कोर में ऐड होता हुआ, स्कोर 42, 42 रन। लेकिन जड़ में रखा था, गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बल्ले का उतना अच्छा संपर्क नहीं, केवल 1 रन, स्कोर 44-44 रन। अथवा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल, 45 रन, फाइटिंग टोटल की तरफ बढ़ रही है एवेंजर। अच्छी गेंद, इस मतबा कलेक्ट नहीं कर पाए थे मुन्ना सैयद, 1 रन और स्कोर में जुड़ता हुआ, 46-46 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। आज जासर सैयद थोड़े से तो फिर से बढ़िया गेंद, लेफ्ट किया, जाने दिया, डॉट बॉल, डॉट बॉल। कोई बैट्समैन ने कोई एफर्ट नहीं दिखाया था शॉट के लिए, इसके कारण डॉट बॉल होती हुई स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 46-46 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर। मैं समझता हूँ अगर यहाँ से 10 से 15 रन और जोड़ती है एवेंजर क्रिकेट क्लब तो इतना आसान नहीं होगा सीसी स्पोर्ट के लिए मुकाबला जीतना, क्योंकि कमाल की गेंदबाजी एवेंजर के पास भी कठिनाई में आ सकती है सीसी स्पोर्ट अगर 10 से 15 रन और जोड़ते हैं एवेंजर क्रिकेट क्लब के बल्लेबाज। यहाँ से नया ओवर लेकर आ रहे मुसद्दिक सूसे,
पहली गेंद जड़ में रखा था, खोद कर निकाला, बढ़िया फील्डिंग, डायरेक्ट हिट की कोशिश, लेकिन एक रन लेने में कामयाब। अगली गेंद उषा की सामना करेंगे अदनान, दोबारा फिर से असफल प्रयास किया था लंबाई लेने का, देखना है। अच्छा थ्रो पहुंचा था अशफाक मामू का, लेकिन एक रन लेने में कामयाब। एक रन की मदद से स्कोर है 48-48 रन। अच्छी गेंदबाजी करे अब तक मुसद्दिक से, मतलब आगे निकल कर खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद तालमेल की कमी, आउट हो गए अदनान। चार गेंद का और आना बाकी इस ओवर की स्कोर 50 रन। गेंद उठाकर खेला, देखना है खिलाड़ी मौजूद है। मिजान मौजूद थे वहां पर, अच्छा कैच समाप्त किया। अगली गेंद लंबाई लेने की कोशिश, आउट हो गए साकिब मिर्जा भी। तो की हैट्रिक पर दे सद्दिक सुसे, एक रन, कमाल की बॉलिंग कर रहे इस ओवर में, अब तक केवल 4 रन खर्च किया और 3 सफलता दे रही अपनी टीम को। इस मतलब बैकफुट से अच्छा स्ट्रोक खेला था, केवल 1 रन। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए एवेंजर क्रिकेट क्लब ने बनाए 51 2 रन, पेनल्टी के ऐड करके होते 53-54 रनों का लक्ष्य रहेगा सीसी स्पोर्ट के सामने। पावर हीटर के कप्तान और युवा स्पोर्ट के कप्तान टॉस के लिए आना है।
अली वल्ले करा रहे गेंदबाज जावेद सामना करेंगे अली पटेल। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मुन्ना सैयद 54 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है सीसी स्पोर्ट। पहली गेंद फुल टॉस तान दिया गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौके से खाता खोला है अली पटेल ने। अगली गेंद मतलब नोकर बैठे जावेद अंसारी फ्री हिट गेंद सामना करेंगे एक बार फिर से अली पटेल। फिर से अच्छा स्ट्रोक खेला लेकिन मतलब खिलाड़ी मौजूद थे केवल एक रन की मदद से स्कोर 6 रन। पहली बार का खेल चल रहा है अच्छी स्टार्ट दिलाइए तो नहीं अली पटेल ने अपनी टीम को। अगली गेंद सामना करेंगे बैकफुट जाकर अच्छा स्ट्रोक खेला गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 12 रनों पर जा पहुंचे। पहली ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज मुन्ना सैयद और अली पटेल। पहली गेंद पर सिक्सर से खाता खोला है मुन्ना सैयद अपना। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइट बॉल एक्स्ट्रा की मदद में स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर 13 रन। फुल टॉस ये उड़कर गेंद थी देखना है क्या कुछ हुआ है बोल लोग मुन्ना सैयद। फ्लैटेड गेंद डाली थी मुन्ना सैयद समझ नहीं पाए गेंद को और क्लीन बोल्ड हो गए। नए बैट्समैन उसामा मोमिन बल्लेबाजी के लिए 2 गेंद का और आना बाकी। इस गेंद की मतलब बीमार गेंद कर बैठे जावेद अंसारी बीमर गेंद अंपायर नो गेंद है बिल्कुल नो प्लस वन 2 रन आगे इस गेंद पर। फ्री हिट गेंद आगे निकल कर खेला है 1 रन अभी भी 1 गेंद का और आना बाकी स्कोर 16 रन। तो बस सम्मान दिया था गेंद को अच्छी गेंद 1 ओवर की समाप्ति रन बने 16 विकेट गिराए 1। अच्छा ड्राइव तक 1 रन 17 रन मतलब बैकफुट पे खींच कर मारने की कोशिश लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं डॉट बॉल तो बैकफुट से लंबा हिट लेने की कोशिश अपने ही फॉलो थ्रो में कमाल का कैच। नए बैट्समैन आशिक अंसारी अली गेंद तेज स्ट्रोक खेला है गेंद गैप में से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद गोली की रफ्तार से भेजा था गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए आशिक अंसारी ने। 4 गेंद अभी भी 2 गेंद का और आना बाकी है। अगली गेंद लेग स्टंप के बाहर वाइट बॉल 20 गेंद और 30 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए सीसी स्पोर्ट्स। मतलब फिर से तान दिया गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बैक टू बैक दूसरा सिक्सर आशिक अंसारी के बल्ले से। क्या जाफर कुरैशी अब तक किसी ने हैट्रिक लगाई है
बिल्कुल, सोहेल ने लगाई थी 7 गेंदों पर 7 सिक्सर लगाए थे, लेकिन फिर से लंबा हिट लेने का सफल प्रयास, केवल 1 रन। 2 ओवर की समाप्ति रन बने 31 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर 18 गेंदों 23 रनों की जरूरत 23। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज साकिब मिर्जा। सामना करेंगे पिंच हिटर बल्लेबाज आशिक अंसारी। पहली गेंद अच्छा स्ट्रोक खेला है, ऑन साइड में 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया अली पटेल ने, केवल 1 रन। स्कोर 32-32 रन। अगली गेंद लंबा हिट लेने का प्रयास किया, लेकिन इस बार आउट हो गया अली पटेल। साकिर अंसारी काफी मुस्कुराते हुए बल्लेबाजी के लिए आए हैं। साकिब मिर्जा की अगली गेंद का सामना करेंगे, लंबा हिट लेने की कोशिश, पहली गेंद पर आउट हो गए साकिर अंसारी। की हैट्रिक पर है साकिब मिर्जा, पहले खिलाड़ी बनेंगे अगर हैट्रिक लेते तो। नए बल्लेबाज आरिफ अंसारी, दोनों ही भाई अब क्रीज पर। पहली गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, गेंद वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए 14 गेंद और 18 रनों की जरूरत 18। विगेन फिर से पैरों के सामने रखा था, कारपेट के सारे गेंद मुशर्रफ तक गई थी, केवल 1 रन 37 रन। आखिरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाइड बॉल 38। गेंद फिर से पैरों के सामने से भेजा गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। ये दो ऐसे खिलाड़ी अगर क्रीज पर रुक गए तो कितना भी बड़ा टारगेट चेस करने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ से 12 गेंद और 10 रनों की जरूरत 12 गेंद 10 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए सीसी स्पोर्ट को, लेकिन सीसी भी हार मानने वाली टीमों में से नहीं है। नया ओवर लेकर आए प्रशांत जायसवाल, सामना करेंगे आरिफ अंसारी। आराम मोमिन स्कोरिंग पर ध्यान दो, पहली गेंद पर सफलता हासिल की है। बैट्समैन बिगेन लेग स्टंप के बाहर वाइड बॉल 1 गेंद। सामने रखा था ऑन ड्राइव किया अच्छा स्ट्रोक, अब तक खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब। 10 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। विकेट क्लीन बॉल कर दिया आशिक को भी, दोनों भाई को डगआउट भेजा है प्रशांत जायसवाल ने। छठा झटका लगाए सीसी स्पोर्ट को 46 रनों पर 9 गेंद और 8 रनों की जरूरत। नए बैट्समैन जासर सैयद
बल्लेबाजी के लिए आए हैं। गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, बढ़िया गेंद, लेट मी डॉट बॉल, 8 गेंद और 8 रन। बैकफुट से तेज स्ट्रोक खेला है, खिलाड़ी अब तक फील्ड करेंगे, 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज, 7 गेंद 7 रन। तो फिर से ऑन साइड में खेला, जब तक खिलाड़ी फील्ड करते सेफ, 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। अब यहां से मुकाबला जीतने के लिए 6 गेंद और 6 रनों की जरूरत, देखना है किस एसीसी एवेंजर, देखिए समय के मामले में सहयोग करना है एवेंजर। नया ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज सैफ मोमिन, सामना करेंगे एलिगेंस सैफ मोमिन की, सामने रखा था, उठाकर खेला है खिलाड़ी, मौजूद थे, 1 रन बना, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 5 गेंद और 5 रनों की जरूरत। हिट विकेट, चार गेंद और 5 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए। सदीक सुसे उठाकर खेला है, साकिब मिर्जा मौजूद, आउट हो गए, सदीक सुसे भी, क्या मुकाबला हो रहा है, दोनों भी टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं है। अगली गेंद, भाग देखना है, तालमेल की कमी, आउट हो गए खिलाड़ी। दो गेंद और 5 रन मुकाबला जीतने के लिए, आखिरी जोड़ी मैदान में, क्या मुकाबला हो रहा है, 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत थी, पहले प्रशांत कमाल की गेंदबाजी, केवल 4 रन दिया अपने ओवर में और एक सफलता भी दिलाई, दो सफलता भी दिलाई थी प्रशांत जायसवाल ने, लेकिन अब सैफ कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, 2 गेंद 5 रन, अच्छा स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए गोल्डन सिक्सर लगाए आकिब ने। आइए इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है आशिक अंसारी, आइए आशिक मैन ऑफ द मैच के लिए आना है, और प्रिंस
युवा स्पोर्ट के प्रिंस, आपको भी मैन ऑफ द मैच के लिए आ जाना है प्रिंस, युवा स्पोर्ट के प्रिंस आपको भी मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। आशिक अंसारी आ चुके हैं हमारे बीच आपका मैन ऑफ द मैच लेने के लिए। मैं इमरान अंसारी से दरख्वास्त करूंगा कि अपने हाथों से मैन ऑफ द मैच देना इस मैच का और पिछले मुकाबले का भी। आइए आशिक अंसारी आपको आगे आ जाना है।